तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में और एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग जा रहे हैं तंजावुर टेंपल, जो कि यहाँ से कितने दूर में है भैया? हाउ मच किलोमीटर टेंपल फ्रॉम हियर? आई थिंक ओके। शशि भैया देख रहे हैं कितना दूर है, और आउटसाइड में देख सक और बाहर में आप देख सकते हैं कि मस्त बारिश हो रहा है। मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया है। तंजावुर करिए कोयल, यहाँ से 91 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं तंजावुर टेंपल। दो किलोमीटर बारिश हो रहा है और 2 किलोमीटर के बाद पूरा सूखा पड़ा हुआ। इधर लोग धान सुखा रहे हैं, अच्छा धान उठा रहे हैं। बड़े येलो बन गए। सर यू हैव नाइस बियर्ड। आई आल्सो वांट तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए, वड़ा खाने के लिए, और बगल में ही बर्ड सेंचुरी है, ठीक बगल में ही। तो आप दूर तक देख सकते हैं ढेर सारा बर्ड वहाँ पे बैठा हुआ है। ये पूरा बर्ड सेंचुरी का इलाका है, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, वहाँ से स्टार्टिंग है। ये पूरा एरिया बर्ड सेंचुरी है। कितना सारा बर्ड बैठा हुआ है पानी के अगल बगल में।
दोस्तों सबसे पहले हम लोग आए हैं तंजावुर पैलेस, उसके बाद हम लोग जाएंगे तंजावुर टेंपल। तो दोस्तों यहाँ पे टिकट प्राइस है 50 रुपया, हम लोग 5 लोगों का 250 रुपया लगा है। ये फ्रंट गेट है पैलेस का। ये पूरे पैलेस का मैप है। तो दोस्तों ये है म्यूज़ियम, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो लेना मना है। अगर फ़ोटो लेना ही मना है, देखने का चीज़ है तो सबको दिखाना चाहिए। फ़ोटो लेना आखिर क्यों मना है हमको समझ में आता नहीं है। अगर दिखाने का चीज़ है, देखने का चीज़ है, सबको के लिए खुला है, तो फिर फ़ोटो लेना भी अलाउड ही होना चाहिए। और अंदर में लिखा हुआ है साइलेंस प्लीज़, और वो खुद मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। राजा पेरोपोजी मेमोरियल हॉल म्यूजियम। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टोर है, यहाँ पे आप कुछ आर्ट वर्क सामान वगैरह खरीद सकते हैं। और इधर एक म्यूज़ियम है जिसका आपको 2 रुपया टिकट लगेगा, लेकिन आप इधर से फ्री में घुस सकते हैं। उधर से जाइएगा तो 2 रुपया टिकट लगेगा। और अंदर सभी जगह वीडियो लेना मना है, पता नहीं क्यों। अपना देश का कल्चर, अपना देश का आर्टवर्क अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं सबको, तो उसमें रोक टोक नहीं होना चाहिए। सभी ऐसे तो 2 रुपया दे के देख ही सकते हैं, तो यूट्यूब में भी डाल के देख ही सकते हैं। पता नहीं क्यों प्रोहिबिटेड है, ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी क्या रीज़न है वो तो। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ले सकते हैं, यहाँ पे तो कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है। थोड़ा और साफ सफाई रह सकता है, क्योंकि कल चर्च गए थे तो वही दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है, इसीलिए उस टाइप का स्ट्रक्चर, उस टाइप का थोड़ा देखने का मन कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर तो जो है वही रहेगा, लेकिन थोड़ा साफ़ सफाई और वेल मेंटेनेंस रहता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो दोस्तों ये है वेल का बोन, काफ़ी लंबा चौड़ा। उधर पीछे तक
तो दोस्तों ये नटराज स्टैचू हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ये 12th century का है, 10th और 11th सेंचुरी का स्टैचू है। ये 11th और 12th सेंचुरी का है। इसी तरह से यहाँ पे ढेर सारे स्टैचू हैं नटराज के। ये सारे 12th सेंचुरी के हैं। सबसे ओल्डेस्ट 10th सेंचुरी का यहाँ पे स्टैचू है, जो कि सबसे फर्स्ट में वहाँ पे है। और यहाँ पे ढेर सारे कॉइन्स हैं, वेरी ओल्ड कॉइन्स। मैसूर टीपू सुल्तान बुल कॉइन, हैदराबाद स्टेट सिल्वर कॉइन, ऑस्ट्रेलिया कॉइन एलिजाबेथ 1953 कॉपर कॉइन। यहाँ पे तो वीडियो लेना अलाउड है, बाकी दूसरे जगह में अलाउड नहीं था, तो जितना लेने पाए उतना ही लिए। टू सोडा फॉर 55 rupees, वेरी गुड, टेस्टी, सॉल्ट इज गुड पर बहुत महंगा। और फॉरेनर्स 200, इंडियन वी डिडंट पेड द कैमरा फीस। चलो, हम लोग का तो छोटा कैमरा था तो हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ा, पता ही नहीं चला उन लोग को। हम लोग वीडियो भी बना लिए। और कितने लोग आते हैं? 1000 लोग एक दिन में। 1000 लोग आते हैं, 50 रुपया के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, उस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन जो जितना भी चीज़ रखा हुआ था वो सारा चीज़ थोड़ा इंथुसियास्टिक था, मज़ा आया देखने में। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो सकता था। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो जो रहेगा तंजावुर टेंपल का रहेगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। अगला वीडियो में आपको तंजावुर टेंपल दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए और चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ay? Wake up, same-ish, different.